हम जा रहे हैं कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया। तो जी ये है जी 2500 माइल्स, जो के बनते हैं जी तकरीबन 4000 किलोमीटर। होए होए सारा जी। कामेट पहुंचने के बाद हमारा क्या हाल होगा। तो मेरा जी डिनर ये है जी, एक केक रस और दूध का ग्लास। सारा ने लिए कॉफी, मैंने ले ली जो कॉफी भी। सिद्धू मूसे वाला, उसकी मदर साथ है। सिद्धू मूसे वाले दीवाने चेक करो जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जी। मैं हूं कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। जैसा कि आपको पता है, हम इस वक्त हैं जी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। तो लोड हमारा जी लोड हो चुका है, तो मुझे उन्होंने बोला जी आप इसको स्क्रैप कर दें। ये हैं जी कोई फूड आइटम्स हैं 30,000 पाउंड की। तो इस लोड की बाकी सारी डिटेल मैं आपको ट्रक पर बैठ के देता हूँ। मैं तब तक जरा इसको ये लगा लूँ। लो जी लोड सिक्योर हो गया, स्ट्रैप लग गई, इट्स रेडी टू गो। ओके, अब ये भाईजान सील लगाएंगे और हम यहाँ से हो जाएंगे जी रफू चक्कर। इस लोड की डिटेल मैं आपको देता हूँ ट्रक में बैठ के। परफेक्ट, थैंक यू। चलो जी, बल्कि यार इसका वॉशर फ्लूइड डालना है। वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं जी विंड स्क्रीन विंडशील्ड को साफ करने के लिए, तो मैंने इसको निकाला है। मैं वो भी ख़त्म हो गया था। सारा डालोगे यार? नहीं, आप डालो, मैंने सही है। सही है, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। आपकी शिफ्ट चल रही है तो सारे काम करो ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। Thanks for letting me know that my shift is on. इसको ये ऑन करें पहले। इसके कुंडे उठाने के बाद इसको उठाओ ऐसे। अच्छा जी, यहाँ डलता है जी वॉशर फ्लूइड। वैसे इसमें दो बोतलें डल जाती हैं, अभी एक ही पड़ी है, तो बाकी इसमें और डालूंगा मैं, क्योंकि ये रास्ते में भी बग्स काफ़ी थी। इसकी तो कुछ देखिए मैं 4-5 बोतलें लग जानी है। मारे इसको धक्का। चलो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो एवरीवन जी, हमारी ट्रकर फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं और कामरन भी हम ठीक हैं, अभी तक ठीक है। आज पता चलेगा। इसके बाद पता चलेगा ठीक रहते हैं कि नहीं रहते। क्योंकि जी हम जा रहे हैं कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया। पैसे का मैं लंबा कहना था ना, कैलिफोर्निया से ओ पेंसिल्वेनिया। तो जी ये है जी 2500 माइल्स, जो के बनते हैं जी तकरीबन 4000 किलोमीटर। होए होए सारा जी, पहुंचने के बाद हमारा क्या हाल होगा। लो जी, हम पहुंचेंगे 4 शिफ्टों में और 2.5 दिनों में पहुंचेंगे। अगर कोई सोलो ड्राइवर करे उसको ये पूरे हफ्ते का स्केड्यूल है जी, जो हमने सिर्फ 2.5 दिनों में कर देना है। होए 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 सारा, कितने घंटे बने? 4 शिफ्ट, तकरीबन 45-46 घंटों के बाद हम पहुंचेंगे, लगातार सफर करने के बाद, उसमें ब्रेक श्रेक सारा कुछ डाल के। ओए ओए ओए, पता नहीं वहां पहुंच के हम आपको नजर आते भी है कि नहीं। साड़ी ते हालत हो जानी टाइट होते पहुंचते। एनी हाउ, मगर ये बड़ा एडवेंचर सफर होगा और इसमें काफी सीनिक व्यूज भी आते हैं जी रस्ते में, तो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे जी जो जो रस्ते में। तो जी ये 4 दिन आपने ना कहीं नहीं जाना, हिलना नहीं तुसी। एक भी लोग में ये कवर नहीं होगा, ये इसके 2-3 पार्ट बनेंगे। हमारे साथ रहना और पूरा ट्रिप देखना है आपने, कि हमने कैसे इतना लंबा 40-45 घंटे का सफर। लॉस एंजेलिस टू पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया।
और इसमें से काफी ज्यादा हम डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरेंगे। सर कितने, 6-7 स्टेट से तो गुजरेंगे। हाँ, तकरीबन अभी हम हैं कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया से हम गुजरेंगे एंटर हो गए एरिजोना के बाद न्यू मेक्सिको के बाद ओक्लाहोमा के बाद मिजूरी के बाद इंडियाना के बाद ओहायो के बाद पेंसिल्वेनिया। ओए होए होए, चलो जी आपके लिए भी ये नई चीज होगी जी, हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो कामन जी पहले कितने रुके यार, शावर ले लिए ताकि जो कल वाली थकावट है ना वो उतरे। हाँ जी, तो फिर नई थकावट के लिए रेडी हो। सही है, आज एक शावर लेते फिर परसों वहां पहुंच के शावर लेंगे तो फिर दुनिया ते आओगे। तो चलिए जी, लइए खुदा दा नाम ते ट्रक पाइए जी रोडा ते। जी लेमन देखे किसी के घर लगे हुए हैं, कामन जाके ला लिया वहां। भाई मैं तो चाड़ो पहले गड्डी। वाओ, आपको तो 2 घंटे लगेंगे, 3। कामन मैं तब तक फिर सो आराम से। आप सो जी, क्योंकि फिर जो है ना सफर बहुत ज्यादा लंबा है। ना, पूरी पूरी नींद लेके ही वही करना पड़ता काम, अदरवाइज तो जी गुजारा नहीं है, नहीं तो काम मुश्किल हो जाना है। ओए ओए कामन, बड़ी लंबी ट्रैफिक है। 1 hour later लो जी 1 घंटा हो गया जी, स्टिल ट्रैफिक में है और ब्रिज के ऊपर देखिए जो ट्रैफिक। शुक्र है यार, 1.5 घंटे पूरे 2 घंटे की ट्रैफिक के बाद सिटी से निकल आए जी लॉस एंजलिस से। अब ये मेन हाईवे की तरफ जा रहे हैं, तो देखो जी पहाड़ों के ऊपर फॉग चेक करो क्या खूबसूरत है। मुझे लगता है कामरा बादल ही बादल है, बारिश होएगी और टेम्परेचर लो है काफी, है ना, नॉर्मल यहाँ पे 80s में होता है इस टाइम। ठंडक है, चलो जी एक मरला तो तुसी पार कर लिया कामरन। थैंक यू जी, अब आप जाके सो सकती हैं जी, मैंने सारे को सोने नहीं दिया जी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मैं बोर हो जाऊंगा। मैंने कहा जी चले जी हम आपको बोर नहीं होने देते। तो लो जी मुझे दे इजाजत। तो कामरन जी तुसी हुन जड़ा ना ध्यान गड्डी चलाओ बस, शहर आके विंड भी जानी बहुत ज्यादा। वो देखो जी पहाड़ों पर पड़ी है बर्फ, इसलिए ठंडक ठंडक है जी आज यहाँ पे। ब्यूटीफुल नजारा, फिर ट्रैफिक।
8 hours later. जी एरिजोना एंटर हो चुके हैं हम लोग आठ घंटे की ड्राइव के बाद मुश्किल से कैलिफोर्निया को अब छोड़ा तो मिली होगी बस थोड़ा फट आ जाए चले जी मिलते हैं आपको आगे स्टॉप कर लिए A few moments later. Hello, जी हेलो वेलकम बैक एरिजोना एंटर होते ही जी पहले ट्रक स्टॉप इधर से करेंगे फ्यूलिंग और सायरा की शिफ्ट हो जाएगी स्टार्ट मेरी शिफ्ट होगी तो इस सफर का पहला मरहला जी हमने पार कर लिया जी पहली शिफ्ट इज गॉन और रश देखो जी कितना टाइमिंग सर आपकी है ना तो मुझे नींद आ रही बहुत ज्यादा इस टाइम मैं सोया था हूँ क्योंकि 11 बज गए रात के आप रेडी हो जी हाँ जी जी मैं रेडी हूँ मैं मेरे ख्याल जाके अंदर तीन देर फ्रेश ना हो जो हाँ ओके डेफ तो डल ही नहीं मैं तो शीशे वगैरह साफ कर दूँ ये मेरे तो दिल नहीं कुछ खाने को चाहिए आपने खाना कुछ मुझे तो भूख लगी लेकिन मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं खाऊंगी कि चलो देखते हैं अंदर क्या हल्का फुल्का A few moments later डीजल वगैरह डलवा के शीशे वगैरह साफ करके सायरा फ्रेश भी हो गई है कामरान आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा तो मेरा जी डिनर ये है जी एक केक रस और दूध का ग्लास सारा ने लिए कॉफी मैंने ले ली जो कॉफी भी दिल नहीं कर रहा था भूख लगी है लेकिन ऊपर के शर्कर खाने को दिल नहीं जा रहा तो जस्ट रस और कॉफी शॉफी बिस्किट वगैरह खा के गुजारा कर लेंगे तो मैं अपना सफर स्टार्ट कर रही थी यहाँ से हम लोग एरिजोना एंटर हो चुके हैं और मेरे पास जो माइल्स हैं वो 2149 माइल्स है जी और रात के 12 बज रहे हैं तो बस यहाँ से अपना सफर स्टार्ट करते हैं खुदा का नाम लेकर तो चलो जी मिलते हैं तानू भाई में कामरान ये ट्रक अभी जो गुजरा ना पास से हाँ इससे मुझे टिप्पर की है काफी ज्यादा वो फ्रंट वाला हाँ इससे मुझे कुछ इशारा किया तो उस तरह ट्रक स्टॉप इधर रेस्ट एरिया आ रहा है इसको जरा ना रुक के देखें इसको क्या अच्छा जी तो जी ऐसे भी ड्राइवर्स आपको हाई बीम फ्लैशर्स करके इशारा करके थोड़ा स्लो करके मुझे लगता है मैंने उसको देखा मुझे तीन चार उसने टिप्पर मारे तो मैंने फिर स्लो किया मैंने उसको देखा है वहां से गुजर रहा है तो ये रेस्ट एरिया रोको जरा चेक करते हैं ठीक है मैं तो वैसे कैप वगैरह तो मैं देख के आई हूं उससे कुछ कुछ ना कुछ होगा शायद कोई पंचर ही ना हो कोई चलो ये रोक के जरा देखिए ट्रक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं A few moments later. सर ये क्या चीज है अच्छा इसका स्प्रिंग वगैरह टूट गया ये जब जमीन के साथ कोई चिंगारी चिंगुरी ना कट दे रगड़ खा के ना कैसे इसको कब करेंगे आप जाए जरा बाकी पहियों को इधर जरा टायरों को हाथ से मार के चेक कर लो तो मत नहीं आ रहा नहीं नहीं मैंने देख लिया टायर्स देख इसको क्या चेक करो सीट चेक करो चेक करो मैं सारा देखा ही हूं मैं देखती हूं वो चिंगारी निकलती होनी है इसका क्या करें स्प्रिंग उतरा कामरान वो इसी मेरी बात सुनो इसके साथ इसको करो ये साथ वाला जो है ना चले जी असी हूं को देसी जुगाड़ लाना पैना इस टाइम कामरान
फिर आगे कहीं ट्रक स्टॉप आता है ना, फिर वहां पे रुक के कुछ उसका देखते हैं परमानेंट। देख लो जी, ड्राइवर ऐसे भी हेल्प आउट करते हैं ओवर द रोड, क्योंकि मैं कह रही मैं इंस्पेक्शन करके निकली हूँ टायर्स वगैरह की, रास्ते में ना वो खड्डे पड़े थे। चलो इसको देखते हैं, देखो जुगाड़ लाने हैं। लो जी, आए हाय, और तो हमारे पास ऑप्शन नहीं क्योंकि वो सील्स पड़ी हुई हैं, तो सील्स के साथ कम इन दोनों को कंबाइन करके ना आगे रुक के ना कहीं लेके सिपर लेंगे। हाँ हो ही गया है ना, ऊंचा तो हो गया सड़क से, इसका भी कोई रिस्क मत कर दे, इसको भी डाल, इसके अंदर डाल दो। हाँ नहीं वो अच्छा ना, चंगारी निकलते नहीं क्योंकि वो लोहे का है। चलो जी, चलो शुक्र है, इशारा कर जाएगा, चंगा भला करेगा। चलो जी, चलो जी चलिए, हेलो हेलो, तो ऊपर से ध्यान से Seven hours later. Hello, जी, सुबह के 8 बज गए हैं जी, और सूरज जो है बहुत जल्दी आज निकला है यहाँ पे, और अभी हम लोग हैं न्यू मेक्सिको। माइल हमारे पास अभी भी 1670 माइल रह गए, गर्मी भी इतनी ज्यादा धूप हो गई है। स्टॉप पर और 30 मिनट की ब्रेक होगी। अभी जी मुझे हो गए हैं तकरीबन 7 घंटे हो गए जी ड्राइव करते हुए, तो आगे स्टॉप पर रुकेंगे तो फिर अपनी जो है वो ब्रेक लेंगे। मिलते हैं जी आगे आपको ट्रक स्टॉप पर। बड़ा मुश्किल ये शहर है जी, अल्बकर्की, अल्बकर्की न्यू मेक्सिको में जी। जी जी यहाँ पे कोई रहता है जो चीज का नाम सही क्या प्रोनाउंस करते हैं जरा बताएं जी, जरा क्या कहते हैं? अल्बकर्की, अल्बकर्की ऐसे ही है जी कुछ। अल्बकर्की कौन कौन रहता है भाई? बहुत खूबसूरत शहर है जी ये, रात के टाइम जी वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, तो वो सारे घर है बेसिकली उसके नीचे, तो जो जब यहाँ से ऐसे वो लाइटिंग चल रही होती है पूरा, मैं कहता माहौल बन जाता है। सहरा इधर वो ट्रक स्टॉप आता है पायलट वालों का, तो वहां क्यों नहीं रोका? और वो पायलट के और ड्रग्स के ट्रक स्टॉप के वहां से बिल्कुल साफ नजर आता है ना। कितने घंटे हो गए जी आपको लगातार चलाते? 8 घंटे में अभी ब्रेक, पहली ब्रेक ली जी सारे ने 8 घंटे में, तो अभी सारा 1-2 घंटा और चलाएगी। मैं तब तक सर वीडियो अपलोड कर दूं जी आपके लिए, आप लोगों के लिए धूप आ रही हूँ वैसे। हाय सहरा वैसे धूप में चलाती नहीं है ना। चलिए जी गाइस मिलते हैं आपको।
मेक्सिको में। मुझे तो मजा आना पूरा दिन चलाने के आया। आप सो रहे होंगे, मैं सीनिक व्यूज में पॉइंट्स पे खड़े होके ना खुद ही जरा ਜਾਨੇ ਟਾੜੀ ਕਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨੇ ਟਾੜੀ ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਰਹੀ ਅੱਛੀ ਆਪਨੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤੀ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇਟਸ ਐਨਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਮਸਲਾ ਹੈ जी आपको एक बड़ी अच्छी चीज और बड़ी मजेदार चीज दिखाएंगे ये देखिए सिद्धू मूसेवाला उसकी मदर साथ है सिद्धू मूसेवाला के दीवाने चेक करो जी अच्छी पिक्चर दिखाई देखिए ट्रैक से फोटो लाई है इनके जरिए अंदर पूरे टैक्सी में लाकर बैठा होगा ट्रैक किसी का होगा ना देसी का दे लो जी सिद्धू के चाय नाले ट्रक का फोटो लगी थी सिद्धू का नाम भी काफी लिखा था ट्रकों पे ना अच्छा ये इस इसके काम देखो काम रहा ना बस चल सर अरे यार अगर रोको फटाफट किते फिर ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਲੇਨ ক্লোਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ तो बल्कि राइट हमारी वही लाइन बंद हो रही तो वो इधर को आ रहा है चलो जी मिलते हैं ट्रक स्टॉप पे लो जी 10 घंटे की शिफ्ट हो गई है तो मेरी हो गई है बस तो ट्रैफिक भी पड़ गई थी रास्ते में तो अभी जी मैं हैंडओवर करूंगी कामरान के कामरान जी यहां से ड्राइव करेंगे ये जी रेस्ट एरिया यहां का ट्रक स्टॉप भी काफी दूर है यहाँ पे रेटल स्नेक पाई जाते होंगे फूड लगाया उसने ये लो जी रेस्ट एरिया के ऊपर जी ये मैक्सिकन फूड भी लगा हुआ है ये बुरा नहीं है हाँ ऐसे यार कोई देसी फूड भी लगा लिया करें ट्रक खा ली चलो जी मेरी तरफ से बाय बाय टाटा गुड नाइट सुबह मिलेंगे जी नहीं सुबह नहीं रात में मिलूंगी बल्कि A few moments later वेलकम बैक होए होए 10 घंटे हुए 10 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट कर ली है मैंने 8 घंटे कल कामरा ने ड्राइव की थी तो टोटल 18 घंटे की हमारी ओनली ड्राइव ड्राइव हुई है तो जी मैं यहाँ पे जी अपनी शिफ्ट जो है एंड कर रही हूँ और व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट की स्टार्ट होगी तो वो हम उसको सेकेंड डे में कंसिडर करेंगे तो वो उसकी डिटेल्स और वो कल का व्लॉग आप नेक्स्ट में देखेंगे जी तो बात करते हैं जी अभी जो माइल्स रह गए हैं 1591 माइल अभी भी हैं ऑलरेडी हमने इतना सफर कर चुके हैं 2500 से लेके जी मसा सी 1600 तक पहुंचे तो बस हो गई है तो मैं भी धूप भी बड़ी तेज है तो जी बड़ी मुश्किलों से मैंने आज अपने 10 आवर वैसे मैं थकती नहीं हूँ जल्दी लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने 10 घंटे जो है ना कम्प्लीट किए हैं तो जी गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स कर दें और ढेर सारा अपना प्यार दें तो जी नेक्स्ट व्लॉग देखें बल्कि नेक्स्ट नहीं आने वाले सारे व्लॉग्स देखें कि हम लोग कितने टाइम में पहुंचते हैं कब पहुंचते हैं और इन पूरे आने वाले टाइम में हम आपको क्या क्या दिखाते हैं उसके लिए सरप्राइज है आप लोगों के लिए तो अगला वाला व्लॉग जो है ना हमने मिस नहीं करना तो जी मेरी तरफ से बाय बाय गुड नाइट टेक केयर